अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग लेडीज एंड जेंटलमैन। सुबह आवाज़ प्रोग्राम में फरवा काजी तांके खुश आमदीद ते चवन। व्यूअर्स, वीकडेज में ज़ाहिर आहे माण्हू थोरो बिज़ी थी वेंदा आहिनि, नई हिकिड़ो रुटीन पंहिंजो जेको ठहियलु आहे उन हिसाब सां माण्हू मूव कंदा आहिनि। अॼु बि जेको आहे वीक जो जेको आहे मिड जो जेको डे आहे उहो आहे, ज़ाहिर माण्हू ऑफिस जे लाइ करे तयारु थिया हूंदा, विया हूंदा ऑफिस में, ॿारनि जी छुटियूं आहिनि उहे आराम कंदा हूंदा, घर में रांदि रहंदा हूंदा। छुटियूं सेलिब्रेट करियो मज़ेदार मैंगोस सां गॾु, त उनजे लाइ करे जेको आहे तव्हां तयारी करियो। अॼु पाण पंहिंजे प्रोग्राम खे जेको आहे फॉर्मेट जे मुताबिक़ उनखे हलाईंदासीं। अॼु जो जेको मूं सोचियो तव्हां सां जेकी ॻाल्हि आहे डिस्कस कंदसि अॼु जी, कल तव्हांखे मूं चयो त इंसान जेको आहे उहो सुठा फेज़िस बि ज़िंदगी में ॾिसंदो आहे ऐं उन सां गॾु उनखे जेको आहे डिफिकल्टीज़ बि फेस करणियूं पवंदियूं आहिनि लाइफ में। इहो हिकिड़ो उसूल आहे इंसान जो, ऐं अगरि को माण्हू इलाही ज़्यादा ख़ुशि हूंदो आहे त उनजो उनखे मतिलबु आज़माइशुनि जो वक़्तु बि फेस करिणो पवंदो आहे। मतिलबु जीअं चयो वेंदो आहे हर उरूज का ज़वाल है, त इहा ॻाल्हि मतिलबु इग्नोर करण वारी त न आहे। ऐं इन लाइ ई चयो वियो आहे त कॾहिं बि सुठे टाइम खे ॾिसी तव्हां एतिरो तकबुर में न वञो, छो त उहो ज़रूरी न आहे त हमेशह तव्हां सां गॾु हुजे। त इहो हिकिड़ो फैक्ट आहे इंसान खे जेको आहे मुश्किलातूं बि ईंदियूं आहिनि लाइफ में, सुठो टाइम बि ईंदो आहे। पर ॾिठो वञे त इंसान मेल ऐं फीमेल जे विच में अगरि कंपेरिज़न पाण करियूं त फीमेल जेका हूंदी आहे उन में रेजिस्टेंस पावर अलाह सी तमामु घणो रखियो आहे, उन में बर्दाश्त जी कुवत तमामु ज़्यादा आहे मेल जे हिसाब सां अगरि ॾिठो वञे। इन लाइ उनखे माउ जो दर्जो बि ॾिनो वियो त उहा हिकिड़ी माउ थींदी आहे ऐं दुनिया जो सभिनि खां मुश्किल तरीन कमु जेको हूंदो आहे उहो माउ थियणु। ऐं इन लाइ करे चयो आहे अलाह सी तरफ़ खां त माउ जे क़दमनि जे हेठां जनत आहे, छो त इन खां वधीक मुश्किल कमु दुनिया में बिल्कुलु थी ई नथो सघे। इन लाइ करे अलाह सां उनखे रेजिस्टेंस पावर बि तमामु घणो ॾिनो आहे, बर्दाश्त जी कुवत तमामु घणी ॾिनी आहे। उनखे दर्जो बि अलाह सां मज़हब में बि ऐं दुनिया में बि ॾिठो त औरत जो दर्जो बि तमामु घणो आहे। त ॾिठो वञे त औरत खे जेको आहे रेजिस्ट करण जो पावर इलाही ज़्यादा अलाह जी तरफ़ खां मिलियल आहे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खां रिवायत आहे, हज़रत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वटि हिकिड़ो माण्हू आयो, उन रसूल सल्लम खे चयो त हिन दुनिया में सभिनी खां वधीक दर्जो कंहिंखे मिलियल आहे, त उन्हनि चयो माउ खे। वरी उन इहो सुवालु कयो त रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुनखे चयो त माउ खे दर्जो ज़्यादा मिलियल आहे। हिकिड़ो दफ़ो वरी उन इहो सुवालु कयो, तॾहिं बि उन्हनि इहो ई जवाबु ॾिनो त माउ खे दर्जो ज़्यादा मिलियल आहे। पोइ वरी उन इहो सुवालु कयो त उनखां पोइ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवाबु ॾिनो त पीउ खे दर्जो मिलियल आहे। मतिलबु माउ जो जेको दर्जो आहे उहो 3 times जेको आहे चयो वञे त ज़्यादा आहे, ऐं पीउ खे जेको आहे अलाह साईं हिकिड़ो दफ़ो इहो मक़ाम ॾिनो वियो। त माउ खे जेको आहे अलाह साईं सभिनी खां वधीक अज़ीम रखियो आहे। अहिड़ी ई हिकिड़ी पर्सनैलिटी खे अॼु असां पंहिंजे प्रोग्राम में घुरायो आहे, जेका हिकु माउ आहे, उनजे बारे में असां डिस्कस कंदासीं। हिकु माउ आहे, हिकु वाइफ आहे, हिकु धीउ आहे, पाकिस्तान जो नालो रोशन कयो ॿाहिरि वञी, कॉग्निटिव न्यूरो साइंटिस्ट, मतिलबु उन में जेको आहे स्पेशलाइज़ेशन कयल आहे। फ़ख्र सां चऊं था असांजी पाकिस्तान जी माई आहे ऐं असां सभिनी खे जेको आहे उनजे मथां फ़ख्रु आहे। पर उनखे असां डिस्कस कंदासीं ब्रेक खां पोइ, किरे न वञिजो। आई होप कि तव्हांखे जेको आहे उन्हनि जो नालो ॿुधण जी ज़रूरत न आहे। इतफ़ाक़ सां मतिलबु छा चवणु खपे, अनफॉर्चुनेट आहे पंहिंजे लाइ करे त 86 years जी उन्हनि खे जेको आहे सज़ा सेंटेंस्ड जेको आहे इम्प्रिज़मेंट जेको आहे उहा मिली आहे। पाण खे असां उन्हनि जे मथां फ़ख्रु था करियूं त उहे हिकिड़ी पाकिस्तानी आहिनि ऐं एतिरो डिफ़िकल्ट टाइम फेस कयो इते जेको आहे पाकिस्तान में, ईअं अहिड़े तरीक़े सां उन्हनि सां रिलेटेड जेके माण्हू आहिनि उन्हनि बि उनजी वजह सां केतिरो डिफ़िकल्ट टाइम फेस कयो। ॿार जेके उन्हनि जा आहिनि उन्हनि खे केतिरो मुश्किलातुनि जो सामनो करिणो पियो। ऐं बींग अ लेडी, एतिरी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी जेका मतिलबु अमेरिका में वञी उन्हनि पंहिंजी एजुकेशन हासिलु कई आहे, सॼी उते पंहिंजी एजुकेशन कंप्लीट कई, उन खां पोइ एतिरी सुठी न्यूरो साइंटिस्ट जेको आहे का घटि ॻाल्हि न आहे, मतिलबु तमामु वॾी हिकिड़ी डेज़िग्नेशन आहे। उन ते पहुचण खां पोइ एतिरो डिफ़िकल्ट फेज़ ॾिसणु हैरानकुन ॻाल्हि आहे। ऐं इलाही सारा माण्हू जेके आहिनि उनखे डिनाय त कनि, रिजेक्ट त कनि, त जेको बि ग़लती थी सघे थो उन्हनि कई हुजे न कई हुजे, उनजे उन में छा आहे, उनजे बिहाइंड छा आहे स्टोरी, उहो त पाण खे अॼु डिस्कस कंदासीं त ख़बर पवंदी। पर इहा जेकी सज़ा मिली आहे इहा तमामु हार्श आहे। त इन शइ खे जेको आहे असां अॼु पंहिंजे प्रोग्राम में डिस्कस कंदासीं। ब्रेक जो टाइम आहे, ब्रेक खां पोइ वरी असां जेको आहे कंटिन्यू कंदासीं
तहां केडे न वंजो असने टॉपिक के वरी कंटिन्यू करू ता इट्स टाइम फॉर शॉर्ट कमर्शियल डोंट गो एनीवेयर स्टे ट्यून्ड वेलकम बैक व्यूअर्स असा सगत शेख मौजूद हैं शेख तहां अल्हम्दुलिल्लाह ताला जी मुझे व्यूअर्स दिसन पे आता है उनके चंदा सुबह जी सलाम जी तरफ ये तो फ्लेट आया नहीं प्रोग्राम वो तो फ्लेट आया रोज मन जी गाड़ी खराब थी मनी है वो प्रॉब्लम थी नो है जरूरी ना है तो उनमें भी का गाल हो जे का रजा हो जे अच्छा जी जी तरफा थिन नो इंसान है इंसान का गलती होता है थिन नो गाड़ी पंजी खराब होनी है रजा वाली अल्लाह जी है ठीक है हां थिन दो है हां ये थिन दो है चवण की गाली है तो सुबह जी आवाजी प्रोग्राम में तासा भलीकार ता चवा रिसो का ता सुबह सुबह थी रही है आज अरबा जो नी है आई 20 तारीख है आई कल असन जी प्रोग्राम में जे गेस्ट हुआ उन जी काफी हेल्प थी उन दोस्तन जी दा माल काफी थोराए तो है जिन दोस्तन कल नासिर हुसैन जी हेल्प कई आज भी असन जी प्रोग्राम में एकड़ी एड़ी शख्सियत आ है जिन जो नालो वठन साई मुजी ख्याल सा पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में सब सुन अगर पाकिस्तान में दिखो वे तो वो एक माँ भी है भेण भी है न्याणी भी है धी भी है उनके बार बार सुने तो उनको नालो कें ना तो सुने जर अस चूं तो डॉक्टर आफिया सिद्दीकी पेरी मुस्लिम खातून पढ़े लिखल नौजवान औरत जैसे अड़ा सजा भी मिले उनकी घरवारा हक बया तो बुधन मीडिया हक बी थी बुधाए जै जगह से मौजूद है मुझे ख्याल से हेस तई एतो अरसो थो है उन फैमिली के दिठो उनके दिसण ही को अथन जी फैमिली प्रॉब्लम उनकी हालत उनकी कंडीशन है उन मतलब गुजर रो है जैसे अस पा में फील क्यों ज्याणी तेजे घर में हुआ वह न्याणी ती भेण हो माँ हो धी हो तो उन्हें ही पूछी सके तो उनकी कंडीशन है उनकी घर में प्रॉब्लम या घर जा हालात छा होगा असल तकलीफ उन्हें की खबर होगी असान जी प्रोग्राम में आज जो गेस्ट है उनकी बहन है डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी असान उनके बलिकार चाहूं था वेलकम टू द शो वेलकम टू द शो सुबह आवाज में ताकि बलिकार था चाहूं अच्छा डॉक्टर साहब पहले तो आप इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री हमें बताएं क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें करते हैं जी। इसकी जो असल चीज है असल हकायक जो है वो लोगों को नहीं मालूम जी बिल्कुल ऐसा है कि अगर आप इंटरनेट पे देखें जाके मैं खुद भी जब जाती हूँ या अगर कोई सर्च करती हूँ तो बहुत सारी बात लाखों से ज़्यादा हिट्स हैं उस पर और इतनी चीज़ें हैं वहाँ पे कि मैं खुद तलाश करती हूँ मेरी बहन का है क्या क्या तस्वीरें खिंची हुई हैं किस किस तस्वीर एक तरफ किसी साइट पे आप जाएं तो उसे फरिश्तों से भी आगे पता नहीं कौन सा सेंट बनाया हुआ है कौन सा रुतबा दिया हुआ है दूसरे उस पे जाएं तो उसे वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस वुमन कह दिया जी, है बिल्कुल ये किया है वो हकीकत क्या है इस हकीकत की तलाश में मैं भी हूँ इस हकीकत की तलाश में जिस तरह और सब है उस सवाल के ही उसमें जब 9 साल हो गए 9 साल और मैं यही सवाल करती थी पहले 5 साल एक ही सवाल होता था कि आखिर आफिया क्यों नहीं कभी किसी को कोई बीमारी होती है किसी का कुछ होता है ना तो हमारे पास आते हैं मैं डॉक्टर हूँ न्यूरोलॉजिस्ट हूँ तो मिर्गी में मैं स्पेशलाइज करती हूँ मिर्गी के आते हैं ना तो किसी बच्ची को होती है वो तो मुझसे कहती है डॉक्टर साहब आखिर मैं क्यों मुझे क्यों हुआ है मतलब मेरी ज़िंदगी एकदम से ये क्या हो गया है ना मैं भी यही सवाल करती हूँ कि आखिर आफिया क्यों मैं उसकी बड़ी बहन हूँ मैं उसको जानती हूँ वो जिस तरह का ये कहते हैं उन्होंने उठाया ये किया वो ये कर नहीं सकती थी वो इतनी हमदर्द थी खून देख के तो बेहोश हो जाती थी कहाँ वो किसी को मारने की वो करे वो उसमें वो सलाहियत ही नहीं थी ना एक होता है कि सलाहियत हो तो इंसान करे तो ये चीज़ तो जहाँ तक वायलेंस और उसका है वो उसके अंदर था ही नहीं बुजुर्गों से बच्चों से बेहद मोहब्बत करती थी बच्चे उसकी कमजोरी थी और फिर कहाँ उसके अपने बच्चे हुए तो वो तो उसकी कमजोरी थी कि अगर बच्चों को रख के और किसी ने उसका नाजायज फायदा उठाया या कुछ इसका तो मैंने क्या किया कि मैंने इन्वेस्टिगेशन अपनी पूरी जमा पूंजी अपना सब कुछ कहाँ है आफिया पे 5 साल तक आपको पता है कि मैं कुछ नहीं अच्छा से कोई कॉन्टेक्ट भी नहीं कुछ भी नहीं एक दिन वो घर से निकली है इस्लामाबाद जाने को उसका एक ख्वाब था
उसने अमेरिका में पढ़ा, हमेशा थ्रू आउट फर्स्ट क्लास फर्स्ट उसकी पोजीशन रही है। She was a scientist. She was an educationist actually by profession. उसने PhD किया था neuroscience, इसमें cognitive neuroscience यानी बच्चों की जहनी बर्दाश्त, बच्चों के जहन को किस तरह से करें कि एजुकेशन एफिशिएंट हो, इमिटेशन थ्रू लर्निंग, लर्निंग थ्रू इमिटेशन, ये उसकी थीसिस थी। कैसी थी, क्या करती थी, घर में उसका बिहेव कैसा होता था घर वालों से, और जब वो बाहर जाती थी तो ज्यादातर फैमिली में अपना प्यार किन से करती थी? वो अम्मा की बेटी थी, सबसे छोटी थी घर में, लाडला तो वैसे ही होता है सबका ही, लेकिन वो अब्बा की वो होता है ना डैडीज डॉटर, दादी जैसे बोलते उनकी टांग पे लटकी रहती थी, वो बेचारी यूं करके चले जैसे ही आए ना टांग पे लटक जाती थी छोटी थी तो। अबू की बहुत लाडली थी, बहुत ज्यादा, और आफिया की एक आदत थी वो ये कि वो बहस में नहीं पड़ती थी। घर में कोई जैसे नेट्स वगैरह से कोई चीज़ अगर टूट जाए या कुछ और पता है अम्मी का क्रिस्टल का बॉल है या कुछ, अब वो गलती से गिर गया है ना, तो वो फौरन इल्ज़ाम अपने ऊपर ले लेती। मैं थोड़ा वो इल्ज़ाम वो बहुत सेंसिटिव थी कि मुझे कम डांट पड़ेगी और उनको ज़्यादा पड़ेगी, दूसरे के दुख की बर्दाश्त भी नहीं कर सकती थी। नहीं, वो बहुत इस चीज़ में बहुत प्रोटेक्टिव थी। लास्ट टाइम आपको डेट याद है वो कब गई थी अपने घर से? जी मार्च के 2003 में। अच्छा 2003 में मार्च में वो इस्लाम, वो अमेरिका से, उसने जब ये PhD की तो वो एक थीसिस बनाई थी, उसका एक ख्वाब था पाकिस्तान में तालीमी निज़ाम को। वो कहती थी यकीन जाने हमारा कितना टैलेंट है, आप यहाँ पे देखें MIT में, हार्वर्ड में, इसमें जो हमारे पाकिस्तानी है इनको देखें, हम तो बैठे पढ़े होते हैं ना, हमारे अपने आराम से लाइटली लेके भी उनके मुकाबले के ग्रेड्स ले आते हैं, कितना जहन है, कितना टैलेंट है हमारे अंदर, इस टैलेंट को हम अपने अंदर, हमारी एजुकेशन सिस्टम सही नहीं है, हम इस सिस्टम को चेंज करें, हम लर्निंग को ऐसे, उसने एक पूरा थीसिस बनाई थी, एक लर्निंग सिस्टम किया था, और उस सिस्टम को वो पूरा करके इस्लामाबाद लेके जा रही थी, तो उसको तो इस्लामाबाद में उनको किया गया है, हाईजैक किया गया उनको, ऑन द वे बच्चे, तीनों बच्चे उसके साथ थे, छोटा सा सुलेमान तो 6 महीने का था, दूध में दूध पीता, उनके साथ उनको लेके गए हैं पूरी फैमिली, पूरी फैमिली, इसकी तो इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट अब आ गई है। पहले ये इसी में फिर मैंने ये 5 साल के आफिया कहाँ है और इन्वेस्टिगेशन सब कुछ ये लगाया कि आखिर क्यों, वो सवाल जो है ना कि आफिया क्यों, यकीन जाने वो सवाल मैं भी वो देख रही, वो ठीक है मैं ये कहती हूँ, वो तो कहेंगे ना सब बहन कह रही है, लेकिन मैं प्रूफ अभी तक देखें, अदालत में पूरा केस चल के 86 साल की सजा सुना दी, लेकिन किसी किस्म का टेररिज्म का, किसी किस्म का कोई एसोसिएशन नहीं कर सके। उन्होंने वाजे तौर पे जज ने ये कहा कि कोई एविडेंस नहीं है। लॉयर्स तो ये भी कह रहे हैं डॉक्टर फौजी कि खालिद शेख मोहम्मद का इन्वॉल्वमेंट इस केस में बहुत ज्यादा है, उन्होंने ये नाम खुद वहाँ की गवर्नमेंट को दिया, कि इसके बिहाइंड क्या स्टोरी है? बिल्कुल यही चीज वो कहते हैं कि 27 दफा उसको वाटर वोट किया कि कोई नाम दो, तो उसने 8-10 पता नहीं 12-13 नाम जो उसके मुंह में आए उसने बोल दिए, उसमें उसने एक आफिया या आरफा से देखी कोई इस तरह। अच्छा, रात को स्टडी हम कर रहे थे, इतनी वाटर बोर्डिंग के बाद आप किसी के, वो तो पता नहीं किस किस के नाम और भी जिनके लिए वो मेरे ख्याल से सब बेचारे दूसरे लोगों को भी, उनको भी अरेस्ट किया है या सिर्फ हमारी आफिया को इतना किया गया? देखिए जहाँ पे आफिया का बेटा बंद था, जो अब 3000 से ज्यादा और बच्चे बंद है और उनकी माए और बाप का पता नहीं है और वो भी बंद है, children should not be in jail, why are they in jail, what did they do, उनके माँ बाप कहाँ हैं, उनकी families क्या हैं, किसी को कुछ नहीं पता है, लेकिन है, ये देखिए आफिया तो एक टेस्ट के सामने आ गई है, एक अलामत बन गई है उन सारे गुमनाम लोगों की, उन सारे लोगों की जिनका अभी तक पता नहीं चला है, जो सामने नहीं आए। अभी आपको पर्टिकुलर पता है कि आफिया अभी कहाँ पे है, उनके बच्चे कहाँ पे है? जी आफिया का पता है, उसके 2 बच्चे मेरे पास है। अच्छा, बहुत अच्छी तरह से। उनका जो आप बता रहे हैं 3 बच्चे थे, उन तीनों लोग, तीसरे का नहीं पता नहीं, तीसरे का बिल्कुल नहीं पता। देखिए अब से
9 साल पहले हमारे घर के 4 लोग लापता हुए थे। हमें धमकियां आईं, खामोश रहो, अगर बोले तो लाशें आ जाएंगी, अगर कुछ किया ये होगा वो, हमने इन्वेस्टिगेशन की हर चीज़ पे, ये पता ये लगा कि कहीं ना कहीं इनके उसमें है। फिर हमें ये बताया गया हमारे ही एजेंसीज के FIA के आदमी, मैं खुद बताया कि वो मर चुके हैं। लेकिन देखिए वही दो बच्चे और आफिया जिनको मरा हुआ कहा था, आज वो जिंदा है। अच्छा, तो समझ में नहीं आता कि क्या कंफ्यूजिंग सिचुएशन है। सारा हर चीज को इतना कंफ्यूज कर देते हैं, इतना स्मोक स्क्रीन इतना फेंक देते हैं और फिर उसके अंदर से पता नहीं क्या चीज करके निकालते हैं। ये चीज तो शायद मेरे आपके समझ से, आप लोग तो खैर फिर भी माशाल्लाह जहां दीदा सारी मतलब देखते आ रहे हैं कि क्या कुछ ना, लेकिन मुझे तो 9 साल में होते होते अब समझ में आ रही है चीज, जो पहले अगर समझ में आती होती तो शायद आफिया अभी तक वो नहीं होती। मैं इसको बहुत डिफरेंट तरीके से करती। मैं 5 साल तक डरी रही, मैं भी अंदर अंदर करती रही, लेकिन फिर समझ आया कि जब सब साथ होते हैं तो बहुत फर्क होता है। मैं निकली, देखे आफिया का भी पता चला, नहीं मैं भी बैठ जाती ना कि मर गए जिस तरह और हजारों के बैठे हुए होंगे। आपकी बहुत वर्क थी, आपने बहुत निकले। आप आफिया के दो बच्चे जिंदा सलामत मिल गए, रिकवर कर रहे हैं, माशाल्लाह रेगुलर स्कूल में जा रहे हैं, माशाल्लाह अच्छे हैं। अम्मी कहाँ हैं? ये सबसे मुश्किल सवाल है मेरे, उन बच्चों को आंख में आंख डाल के। लेकिन फिर मैं उनको यही कहती हूँ, देखो बेटा तुम लोग सोचो, तुम सोच सकते थे तुम घर आ सकते हो, अमंग फैमिली हो सकते हो, रेगुलर स्कूल में जाओगे, कभी सोचा था? तुम समझ रहे थे ना दिस इज द एंड ऑफ योर लाइफ, यही वो है। नहीं हाँ, मैंने कहा आए ना, इस तरह तुम्हारी अम्मी भी आएगी। कब याद आया? बच्चा अब रिहाई के लिए क्या किया है आपने, मतलब अब क्या कोशिशें हो रही है? देखिए हमारे लिए कोई चीज, हमारे पास बहुत सारी चीजें रिहाई के लिए करने को। सबसे आसान तरीका तो डिप्लोमेटिक था। आफिया के ऊपर मुकदमा चलना ही नहीं चाहिए था, आफिया यूएस सिटीजन तो नहीं थी। अभी आफिया को कुछ पता है कि किस जगह पे है, कहाँ पे है? जी आफिया कार्सवेल में है जी, टेक्सास, डेलस टेक्सास में एक FMC फेडरल मेडिकल सेंटर है जी, कार्सवेल के नाम से मशहूर है। उसे कार्सवेल को अगर आप इंटरनेट पे डालें और सर्च करें तो उसके उस पे आता है दी हाउस ऑफ हॉरर्स, हाउस ऑफ हॉरर्स, अमेरिकाज मेंटल टॉर्चर सेल, माय गॉड, दैट इज कार्सवेल, FMC कार्सवेल। नॉर्म है उसका, एक साल में 10-12 केसेस रेप के जरूर होते हैं वहाँ पे, 10-12 केसेस अनएक्सप्लेन डेथ्स के होते हैं। बहुत कम है कि कोई वहाँ से जिंदा निकलता है, अगर निकलता है तो वो जहनी तौर पर टोटली बिल्कुल माउफ होके निकल, इट्स अ मेंटल इंस्टीट्यूट। वो उसको मेंटल गेम्स कर करके कहते हैं पॉलिटिकल रिहैबिलिटेशन के लिए है वो जगह। लेकिन अगर आप इंटरनेट पे देखें तो वहाँ के प्रीस्ट के ऊपर इल्ज़ाम हैं वहाँ के उस पर, मतलब इट्स अ वेरी नोटोरियस प्लेस, और अनएक्सप्लेन डेथ्स होती हैं और बॉडीज फैमिलीज को नहीं देते हैं, क्रीमेट कर देते हैं। अच्छा, और फिर एशेस दे देते हैं। लोगों का ये भी ख्याल था कि न्यूरो साइंटिस्ट जी, इज दिस ट्रू? आफिया PhD इज इन न्यूरो साइंस, कॉग्निटिव न्यूरो साइंसेस। उसकी थीसिस जो थी ना वो बच्चों की ज़हनी न्यूक्लियर साइंटिस्ट, कॉग्निटिव नहीं न्यूक्लियर के तो दो भी फिजिक्स, उसके मतलब फिजिक्स उसके मेजर क्या है, उसके सब्जेक्ट्स में ही नहीं है, सिर्फ वो इंटर में जो पढ़ा था फिजिक्स वो है। अब उसके बाद अगर न्यूक्लियर साइंटिस्ट बन जाते हैं कि ये अंकादर का पार्ट थी ऐसा, कि कोई ऐसी बात लोग क्यों करते हैं? मैंने ये केस स्टडी किया, मुझे बहुत सारी चीजें ऐसी मिली हैं, बिल्कुल मतलब बैकग्राउंड के अंदर भी लोगों ने बहुत सारी चीजें लिखी हैं, बिल्कुल। तो अच्छा, ब्रेक के बाद हम इस चीज को दोबारा कंटिन्यू करते हैं। व्यूअर्स, शो को न्यू, वी आर जस्ट कमिंग बैक। वेलकम बैक व्यूअर्स, असा तवां के खुशामदी चाहूं था, तवां प्रोग्राम तवां ॾिसी रहिया आहियो। अॼु जे प्रोग्राम में असांजी गेस्ट जेके आहिनि डॉक्टर फौज़े सिद्दीकी, ऐं असां जेका हुनजी भेण आहे, वॾी भेण आहे, ऐं तव्हां पाण ॿुधो पिया, मुंहिंजे ख़्याल सां पहिरीं कंहिं सिंधी चैनल में हीअ ॿुधाइनि पिया त असां कोन वञी चुका आहियूं, ऐं अॼु असां हिते आया आहियूं। हीअ सिर्फ़ु हिकिड़ी रिक्वेस्ट पिया कनि त सिंध जेका धरती आहे पीरनि ओलियान जी आहे, फ़क़ीरनि जी आहे, सिर्फ़ु
दुआ कजो त असांजी जेका भेण आहे या असांजी जेका न्याणी आहे असांजी जेका माउ आहे उहा ठीकु हुजे सही सलामत हुजे ऐं कहिड़े हालनि में आहे हिननि खे बि ख़बर न आहे ऐं असांजी दुआऊं ई खटाए सघंदियूं। मैं जैसे आपसे पूछा था आफिया नाम है एक बहन का, एक पाकिस्तान की बेटी का, यानी पूरी दुनिया की बेटी का, सबको उसके एहसास हैं जज्बा है कि वो दिन कब आएगा जब हमारी बहन वापस पाकिस्तान आएगी और कराची एयरपोर्ट पर लैंड करेंगी और उनका इस्तकबाल कैसे होगा ये भी आप सोचेंगे, क्या फीलिंग होती कब उनको ज़्यादा मिस करते हैं जब उनकी याद कब आती है ज़्यादातर? याद तो तकरीबन ज़्यादा अब आती है जैसे मरियम बड़ी हो रही है। अच्छा, तो उसको जब देखती हूँ उसके पास सवालात हैं जो बहुत सी चीज़ें एक बेटी के लिए माँ ही पूरी कर सकती है, मैं खाला हूँ जो भी मैं कर सकती हूँ, और वो तो उस वक्त मुझे बहुत होता है कि काश वो उसके पास होती। और बच्चे जब उन्हें कोई चीज़ का वो करना होता है, कोई तंबीह करनी होती है, तो मुझे बहुत याद आती है कि डांटे तो माँ डांटे मैं क्यों वो करूँ। और सबसे ज़्यादा जब मैं अम्मी की हालत देखती हूँ, दिन रात दुआएं करती होगी, वो तो माँ है अपनी हालत के लिए कितना परेशान को गिर गई चकरा के 9 साल हो गए, ये सोच के फजर की नमाज पे खड़ी थी गिर गई, हड्डी टूट गई, ये हुआ, इतनी खुशामदी की, इतनी अपनी एम्बेसी को फ़ोन किए हैं, इतने फ़ोन किए कि एक बात करवा दो, आवाज़ सुनवा दो। मैंने कहा मैं ऑपरेशन के लिए जा रही हूँ, डॉक्टर कह रहे हैं कि बहुत ख़तरनाक है, इन्फेक्शन हो गया है, ये है, मुझे बात करवा दो बेटी से। लेकिन उन्होंने बात ना करवा के दी, हालांकि काउंसलर एक्सेस तो सारी दुनिया के हर डेथ रोल पे रेमंड डेविस को आपने देखा, उसके पूरे वक्त बैठे रहते थे एम्बेसी वाले, एक लम्हे उसको तन्हा नहीं छोड़ा, वो कातिल था, कातिल था, गद्दार था, सब कुछ था, वो तो एक्सपोज हो गया था, हर चीज आपको सामने थी, एक्सपोज हो गई थी। आपकी बेचारी का तो कोई इल्जाम अदालत में भी प्रूव नहीं हो सका, खुद जज के अल्फाज हैं, छपे हुए अल्फाज हैं, और पब्लिक उसमें है, उसमें देख लें कि हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है। जब कोई एविडेंस नहीं है डॉक्टर साहब, फिर क्यों उनको इम्प्रिजन किया? क्योंकि वो फील करते हैं कि उसके जो ख्यालात हैं वो अमेरिका के लिए नुकसानदेह हो सकते हैं। दूसरी चीज़ जो है वो ये चीज़ है असल में, जो जज ने जो जूरी को कहा था उसकी जो स्पीच है उसमें बहुत एक बहुत अहम नुकता है जो हम लोग गौर नहीं करते, लेकिन कि उसके ऊपर इल्ज़ाम था फौजियों के ऊपर गोली चलाने का, कोई हर्ट नहीं हुआ, कोई इंजर भी नहीं हुआ, किसी पे स्क्रैच भी नहीं आई, सिर्फ गोली, वो भी उनकी बंदूक छीनने का। खुद आप सोचें कि मतलब मैं शायद आपसे भी बंदूक नहीं छीन सकूंगी, कहाँ ट्रेंड 7 FBI के और अमरीकी ट्रेंड मार्शल्स उनसे छीनना, मतलब आप खुद सोचें कि इट्स नॉट प्लॉजिबल ये पूरा ये इल्ज़ाम। अगर आफिया को वो बरी करते हैं, और देखिए ना गन पे कोई फिंगरप्रिंट्स ना, वो जो उन्होंने कहा कि ये बुलेट होल्स आफिया ने किए, वो बुलेट होल्स उसी कमरे में एक हफ्ते पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद हैं, तो आफिया ने क्या टाइम से पहले जाके होल्स बनाए और फिर बाद में उसने गोली चलाई? लेकिन इस सब के बाद उसको अगर वो उसको बरी करते तो फिर केस किस पे चलता? उन फौजियों पे ना जिन्होंने झूठा इल्जाम लगाया। अब वो अपनी फौज को देखें, अमरीका एक रियासत है और उसने अपनी फौज पे कभी भी इल्जाम नहीं आने दे। बड़ी सुन रहे काफिया को सैक्रिफाइस करना, पाकिस्तान को सैक्रिफाइस करना, साथ में उसको तो हासिल हो रहा है अपनी फौज का मोरल बुलंद करना, उसको हासिल हो रहा है अपनी FBI का मोरल बुलंद करना, और उससे ज्यादा मुसलमानों के पाकिस्तान के मुंह पे तमाचा मारना। लेकिन बेटी हम लोगों के लिए तो खास तौर पे बेटी गैरत के अलावा, बिल्कुल बिल्कुल हमारी गैरत, और गैरत नहीं तो कुछ भी नहीं। जब ये आफिया घर से निकली थी इस्लामाबाद के लिए जा रही थी, आप बता रहे कि ऑन भी उनको आई थिंक गायब कर दिया गया जी। कुछ आपको कितने अरसे के बाद पता चला कि अभी वो कहाँ पे है और डायरेक्टली उनको कहाँ पे रखा गया? देखिए हमें आप समझे 2003 से 2005 तक कुछ भी नहीं, सिर्फ जो हमारे घर पे फोन आते थे, जो हमारी अम्मी को कहा था घर पे आके, उन्होंने धमकी दी थी कि 5 लाशें आपके यहाँ पे होंगी, मोहम्मद नियासीन रो उस वक्त के सेनेट चेयरमैन थे उनसे राबता किया, ये आपके आफ्ताब अहमद शेरपा थे और फैसल सालेह हयात इंटीरियर मिनिस्टर थे उस वक्त,
फिर एजाजुल हक मिनिस्टर ऑफ रिलीजियस अफेयर्स थे, इन सब से रबते किए, इन सब के पास आप यकीन जाने हर जगह, आप अगर हमारे फ़ोन्स निकालें तो कितने फ़ोन्स किए हैं, उन सब से बात की है जब भी और अब भी। बस जब यह है कि मीडिया में नहीं था, अब मीडिया में भी आ जाती हैं कुछ मुलाकातें, और वो इसी तरह इज्जत से मिलते थे, इसी तरह तसल्ली देते थे। 9 साल बीत गए नहीं तसल्लियों में, 9 साल, तीन हुकूमतें आई, पहली हुकूमत, दूसरी हुकूमत, अभी यानी कहते कि आप बस जाएं, अभी आ जाएगी, हम कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, नहीं कुछ भी नहीं है, कोई भी ये नहीं गलती थी, नहीं वो सेफ है, नहीं ये है। 2005 में जब वो मुअज्जम बेग की एनिमी कम्बैटेंट उसने बुक लिखी, उसने कॉन्टेक्ट किया मुझे। अच्छा। उसने कहा कि मैं वहाँ पे था बगराम में और ऐसे ऐसे, और जब मैं निकल रहा था तो मैंने कहा उस औरत का बताओ जिसकी चीखें आती थी और जो हमें नजर आती थी जाते हुए, और तो उसने कहा कि वो जो रिहा कर रहा था, कहते जिस वक्त हम बंद थे उस वक्त तो कहते थे तुम्हारी बेटी है, तुम्हारी माँ है, तुम्हारी ये है, तुम्हारी वाइफ है, उसके साथ ये हो रहा है, ये तो हमें टॉर्चर करने को। तो बोले कि जब मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि आफिया सिद्दीकी नाम है उसका और पाकिस्तानी है। तो डायरेक्टली उनको ले गए थे वहीं पे। तो ये चीज़ है, अब एग्जैक्ट पूरा नहीं पता, आफिया तक हमारी रसाई नहीं, जिन वकीलों की रसाई है वो अमरीका के वकील हैं, हमारे वकीलों को आफिया तक रसाई भी नहीं मिलती। अच्छा, क्या बोलती थी आपको आफिया, बाजी, बहन, और कब झगड़ा लास्ट टाइम हुआ था, कौन सी वो यादगार बातें हैं? हर लम्हा यादगार है, पर एक लम्हा होता है जो यादगार हो गया, जो आपको याद हो। आफिया मुझे बज्जू बोलती थी। अच्छा। बज्जू कहती थी, और उसका कोई लम्हा याद है जहाँ पे आप गए हो, कभी कहीं घूमने गए हो, जो लम्हा याद है? बहुत सारे लम्हे ऐसे हैं जो आफिया के वो, लेकिन मुझे अभी तक वो वाली याद है कि जब वो अमेरिका से आ रही थी, मैं उसे एयरपोर्ट पे छोड़ रही थी, और अहमद ने मेरा हाथ पकड़ा था और कह रहा था कि मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, खाना जान मुझे रख लें आप यहाँ पे, मैं बहुत अच्छा हूँगा, मुझे नहीं छोड़ूंगा। तो मेरा दिल बहुत ही हुआ, और आफिया जब वो लेने लगी ना तो एकदम रो के मुझसे लिपटी और बोली कि पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि पता नहीं क्यों आप फिर मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। मुझे वो लम्हा बार बार मेरे उस पर, वो अहमद का किस तरह से मैंने हाथ छुड़ाया, वो जब तक वो वापस नहीं आया है ना, वो मुझे नाइट मेयर्स आते थे, मैं काश मैं रख लेती, बच जाता वो बच्चा। फिर मुझे वो क्या आफिया को एक सेंस हो रहा था कि पता नहीं मैं वापस जा रही हूँ अम्मी अबू से मिलने, ये कर रही हूँ पता नहीं क्या, लेकिन मुझे लिपट के रोई थी ना एकदम जाते जाते ना। हालांकि मतलब अमेरिका में मैं भी वहीं पर पढ़ रही थी, वो था कोई इतना वो नहीं था, अभी जाके मिल लेंगे, अम्मी अबू के पास तो जा रही है ना मिलने के लिए अपनी थीसिस वगैरह, और ये कह रही थी कि मेरा ये ख्वाब है पता नहीं पूरा होगा नहीं होगा। आफिया को ज्यादातर खाने में कौन सी चीज पसंद होती थी, और जैसे वो फरमाइश करती थी आपसे, आप बड़ी बहन है, अम्मी से फरमाइश करती थी अम्मी आज ये पका दे और आज यहीं पे घूमने चलना, चाहे वो पाकिस्तान में कौन सा। जब आफिया आ रही थी ना तो अम्मी ने कहा तुम्हारे लिए क्या पकवा के रखूं, तो उसकी जो फरमाइश थी ना वो बहुत ही अजीब सी फरमाइश थी, उसने कहा था कीप अ प्लेट फुल ऑफ मगज फॉर मी। अच्छा, 4 जुलाई को इंडिपेंडेंस डे आ रहा है, अमेरिकन इंडिपेंडेंस डे, तो उसके लिए कोई स्ट्रेटजीज प्लान की है आपने? बिल्कुल, हमने एक के लिए जी बिल्कुल एक स्ट्रेटजी हमने की है। 4 जुलाई को आपको पता है कि वहाँ पे पार्डन भी होते हैं, वहाँ पे मतलब फ्रीडम की बात होती है, आजादी की, इंसाफ की, अमन की, और दरगुजर मर्सी की बात होती है, बहुत ज्यादा सेलिब्रेट करते हैं, यही पूरा अमेरिकन अवाम एक चीज की वो गूंज रही होती है, फ्रीडम, मर्सी, कंपैशन, सबको माफ कर दो, मोहब्बत, और ये इसी मोहब्बत के उसके लिए एक अपील हमने की है। और ये अपील आपके प्रोग्राम के तवसत से अगर व्यूअर्स हमारे साथ हैं, हम कैंप्स भी जगह जगह लगाएंगे, और जो कॉन्टेक्ट करना चाहे, हमने एक पोस्ट कार्ड निकाला है। स्पेशल अपील है, हेल्प कर साथ दियो, कैंपू हणंदी इन में तुम जितो थी सके तुम इन गुड साथ दियो,
हमारे सिंध में कभी आफिया घूमी जी, जी बिल्कुल, मैं आपको सिंध का बैकग्राउंड बताती हूँ। इसमें 5 रुपए का टिकट लगाना है। ओके, बस 5 रुपए में बहन बच सकती है। अगर हम 18 करोड़ में से 1 लाख भी नहीं, क्या 5 रुपए बहन के लिए करके मेल कर सकते हैं? या मतलब भाई कैंप पे खाली टिकट लगा दें और साइन कर दें कि हम माफिया के साथ हैं, वहीं पे जीपीओ पे स्टैंप करवा के ये कर दें। अगर कोई हमारे साथ है तो जो है वो लोग जरूर इसको सपोर्ट करेंगे। बिल्कुल करेंगे। व्यूअर्स, ब्रेक टू टाइम, ब्रेक अप वरी कंटिन्यू करना, सी डोंट गो एनीवेयर, वी आर जस्ट कमिंग बैक। वेलकम बैक व्यूवर्स। पहली तक सब बुधाना तो अट ब्यूटिशियन मौजूद हैं, निगत इनाम जो नालो है, सारा मॉडल हैं, उनसे थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं। निगत कैसी हैं आप? ठीक ठाक है, आते ही फौरन से शुरू भी हो गई। अच्छा, आज आप हमें क्या दिखा रही हैं, कौन सा मेकअप कर रही हैं? पार्टी मेकअप कर रही हूं मैं। पार्टी मेकअप हमें बता रही हैं। आजकल पार्टी मेकअप क्यों इतना ज्यादा मतलब इन है? पार्टी मेकअप मतलब क्योंकि नॉर्मल क्योंकि लोग ज्यादा पसंद करते हैं, पार्टी आजकल ज्यादा हो रही है ना। चले चले हम डॉक्टर साहब के पास आते हैं। जी व्यूअर्स, मां ताके बुधाया तो ता जी मां बाजी सागर बैठो स मां कचहरी भी कई आई हने ने को प्रोग्राम डिजाइन करवा है जी को ऑफिस से भी की जो को खाब हो को मकसद हो त तामीर पाकिस्तान नो यानी यो इन जे हवाले से ही अधिपान बुधाया दी त ही मकसद हिन जो छा है ऐं हिन में हिननि छा था चवनि हिन में हिननि नामा बि रखिया आहिनि पर सिर्फ़ु पंहिंजी फाउंडेशन कई अथनि ऐं चवनि था त इहो ख़्वाबु जेको हो आफ़िया जो हो त भाजी इहे आपने में पंपलेट दिया है तो इसका मक़सद क्या है और आफ़िया मूवमेंट इसको आप थोड़ा बयान करें। इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंसिस भी किए हैं आपने पिछले दिनों? जी जी जी, पिछले दिनों मैंने इसको कि जहाँ तक भी आवाज़ जा सके, हमारा टैलेंट जहाँ जहाँ है, इसलिए इनाम की रकम भी 1 लाख रुपए रखी है और उसके अलावा भी बहुत सारे इनाम 10-10 के, 50,000 के इसके, और इसके जजेस भी इंडिपेंडेंट बिल्कुल होंगे, लोकल भी और बाहर के जो पाकिस्तानी हैं जो बाहर की यूनिवर्सिटीज में इन शोबों में मुख्तलिफ शोबे हैं जिनसे पाकिस्तान की तामीर नौ हो। ठीक, तो मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा खासकर हमारे इंटीरियर में और ख़ासकर हमारे सिंध के अंदर कितना टैलेंट, कितने जहीन हमारे बच्चे और असातिज़ा वो सब मिलके ग्रुप्स में करें, ये करें अच्छी सी थीसिस और वो बनाएं ताकि ये चीज़ आगे जाए, आफिया का एक ख्वाब आगे हो सके, एक कंस्ट्रक्टिव थिंकिंग और हमारा पाकिस्तान है, हमने ही बनाना है, चलें मिलके बनाएं। अच्छा, ये आफिया का ख्वाब था। मैं चाहती हूँ अपने गम को एक तरक्की के एक उसकी तरफ एक अच्छे पॉजिटिव डायरेक्शन में लेके जाऊँ, हम नेगेटिविटी से हट जाए, नफरत से हट। जैसे मैंने आपसे सवाल किया था थोड़ी देर पहले कि इंटीरियर में आपका जाना होता है, जैसे सिंध में आपका जाना होता है, और लास्ट टाइम आफिया जी आप बता रहे हैं कि जब वो आती थी तो ज्यादातर उनको कहाँ जाना पसंद होता था सिंध में? आफिया कभी भी जब भी विजिट किया है उसका सबसे पहला ट्रिप जो है, पहला ट्रिप उसका आउट ऑफ कराची वो होता था भिक्षा। भिक्षा सूफीज्म से उसे लगाव था और भिक्षा पे कहते सूफीज्म से बहुत ज्यादा लगाव था, काफी लगाव था उसे। ओके, और वो कहती थी कि पता नहीं मुझे यहाँ पे बहुत सुकून मिलता है, मुझे ऐसे लगता है कि ये मेरे दिल की आवाज़ है, मेरे दिल को समझते हैं। वो तो बैठी रहती थी और पता नहीं नज़में वगैरह पढ़ती रहती थी, फातिहा करती थी। तो वो उनकी नज़में शाह साहब की जो है, शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई की जो नज़में हैं, जो शायरी है, वो एक टिपिकल सिंधी है, तो वो उसको रीड कर लेती थी? जी जी बिल्कुल, असल में हमारा बैकग्राउंड सिंध से काफी क्लोज है। अच्छा। मेरी तो शादी सिंधीज में हुई है, शुमालीज में। तब वो तां गाना भी है ना सिंधी का। बस वो इतना फ्लुएंट नहीं है, वो इतना अरसे अमरीका, वो उर्दू भी अभी ये 2 साल में 3 साल में बात कर करके फ्लुएंट नहीं है। आप अगर मेरी शुरू की देखें तो उसमें टोक रहे होते थे सब लोग ना कि बाजी उर्दू, वो लफ्ज उर्दू के बाद वो इंग्लिश में फ्लो हो जाता था, तो उर्दू अभी इतनी हुई है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा बोलते हुए, लेकिन जैसे घर में हस्बैंड के साथ और इन लॉज के साथ टूटी फूटी अपनी कुछ ना कुछ हम करते रहते थे। अच्छा, रहते आपने हैं। अलग अलग ये इतनी खूबसूरत और मीठी जबान है ना, आपको फील होता है कि बहुत, आई मीन इट्स लाइक ऑलमोस्ट, खासकर जब औरतें बोलती है ना तो बिल्कुल ऐसे लगता है इवन आप गुस्से में भी कर रही हो ना तो लगता है जैसे गा रही है, मोहब्बत का मोहब्बत बहुत है इसमें।
और वही I mean, आप कलंदर का देख लें, आप उसका जो कलाम है ना उसमें भी वही मोहब्बत झलकती है, वो शीरीनी। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, OIC जी ने कितना आपको सपोर्ट किया आफिया के लिए? OIC की तरफ से हमें मतलब जो एक इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है उसकी तरफ से कम से कम आपको जवाब, आपके जो लेटर्स पहुंच रहे हैं आपके, वो तो उनके प्रॉम्प्ट जवाब और ये सब आए ना, वो नहीं है। इट्स ऑलमोस्ट लाइक पता नहीं सोई भी जमात है। अच्छा। वो रिस्पॉन्स जो एक एक्सपेक्ट आप करेंगे ना, एटलीस्ट जवाब तो आए ना, यस और नो कुछ ना, बिल्कुल कोई नहीं आता, बिल्कुल खामोशी ज्यादा है। अच्छा, या शायद मैं सही वो नहीं कर रही, शायद कोई प्रोग्राम वो कर रहा है तो वो एक सही एड्रेस प्रॉपर पर्सन दे दें, शायद मैं वहां तक नहीं पहुंच सकी हूं। अच्छा, जैसे मैंने आपसे सवाल किया था कि लास्ट तीन यानी तीन हुकूमतें आई, पहले आप बता रहे थे एक हुकूमत थी, दूसरी हुकूमत, अभी एक तीसरी हुकूमत चल रही है। आई थिंक मैंने आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी है, उसमें आपके पास हर किस्म का पॉलिटिशियन है, हर जमात का पॉलिटिशियन है, हर पार्टी का पॉलिटिशियन है, तो क्या उनकी तरफ से कोई रेस्पॉन्स होता है या सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस वो करके चले जाते हैं? अभी तो ऐसे ही लगता है कि नशिस्तन गुफ्तन बर्खास्तन। ओहो। लेकिन फिर वही सारा कुछ वो देखते हुए देखे, दो बच्चे जिन्हें हमें कह दिया था मर गए हैं, जो बेचारे बिल्कुल इस बुरे हाल में थे, वो हमें मिले ही, हासिल हुए इसी सारी जद्दोजहद की वजह से। मेरे ख्याल से कोशिशें, दिल का जज्बा, सब कुछ जब आते हैं, देखते हैं, घर पे अम्मी से मिलते हैं, उन्हें एहसास होता है ये फैमिली वो नहीं है जो कि एक पिक्चर बनाई हुई है, पेंट की हुई है, ये कोई टेररिस्ट नहीं है, कोई वो नहीं है, तो पढ़े लिखे एक मिडिल क्लास आम लोग हैं, हम जैसे ही आम लोग हैं, तो एहसास होता है, आंसू भी बहाते हैं, अपनी हमदर्दियां भी देते हैं, फिर अपने मस्त हो जाते हैं, मगन हो जाते हैं। डर होता है आप कराची शहर में चल रहे हैं, घूम फिर रहे हैं? यकीन कीजिए, मुझे जितनी धमकियां देते हैं ना, मुझसे ये कहा जाता है आप ये नहीं करें, जब अमेरिकन एम्बेसी जाए थे आप वहां जाने की वो नहीं करें, आप कराची में रहती हैं, आपको ये नहीं पता आप कराची, मुझे ये धमकी तो मुझे बहुत इतनी मिली है, आपके बच्चे कराची में स्कूल जाते हैं, कराची में रहते हैं, आपको पता है आप सिटिंग यानी कि सिटिंग आपने कभी गौर की कि किस टाइप के लोग हैं, कौन इस तरह की धमकियां दे रहे हैं, हालांकि आप अपने राइट के लिए फाइट कर रही हैं? मैं यही कह के पता है इतने अरसे हमें धमकियां आती थी, हम खामोश थे ना, लेकिन जब मैं उठी मैं बोली तो मैंने ये देखा कि मेरे दो बच्चे मिले, मेरी बहन का पता चला, वो जैसे भी एक पता नहीं कौन सा वो बदतर था या ये बदतर हाल है ये मुझे नहीं पता, लेकिन पता चला, नॉट नो, सम नॉलेज इज बेटर देन नो नॉलेज कह लें, पता चला कुछ हुआ ना, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चे भी अभी जिंदा सलामत है, माशाल्लाह आफिया के बच्चे भी स्कूल जा रहे हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छे ग्रेड्स ला रहे हैं सब, मेरे बच्चे भी माशाल्लाह टॉप कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और मैं भी अभी जिंदा हूँ, अल्लाह मैंने जब फिर मुझे यानी मुझे एक वो समझ में आया कि जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ। बिल्कुल, जब ऐसे अगर अपनी नियत साफ है ना और अपना खलूस है, बिल्कुल, और मैं ये जानती हूँ कि मैं जो कर रही हूँ यकीन जैसे मेरा पर्सनल कोई वो नहीं है। जब ऐसे किसी की आपको धमकियाँ आती हैं या ऐसा टॉर्चर किया जाता है सेल फोन पे, अभी जैसे कोई प्रॉब्लम हो होगी तो कभी कभी दिल हार जाता है कि नहीं यार अब बच्चों के लिए करना है, दिल अफसोस करता है, दुख होता है, मैं कहती हूँ शायद ये धमकी देने वाले भी हम ही में से होंगे, जिस तरह उसको उठा के पेश करने वाले भी हम ही में से, मैं किसको देखे, अगर कोई गैर करता है ना उसका फिर भी सब्र आ जाता है, गिला भी तो इंसान अपनों से ही करता है ना, जब अपने ही जो है आपके हमारे पीछे अपने ही अपनों को जब मारने लगते हैं ना तो फिर हम गिला कहाँ करें, हम किधर जाएं, इस चीज पे मुझे बहुत होता है कि यकीनन ये जो कर रहे हैं लोकल ही 999 और 111111111 इस तरह का नंबर बहुत आता है। अच्छा, ये तो बहुत, और एक 1999 बस ये चार डिजिट्स होते हैं, ये तो डर लगता है कि सीरियस सिक्योरिटी। अम्मी कभी कभी बहुत डर जाती हैं, अम्मी को जब वो कहते हैं एक बेटी को रो रही है साथ हुआ तो दूसरी बिल्कुल यही है, एक बेटी को रो रही है और दूसरी बेटी का, मैंने अम्मी से कहा अम्मी देखे अल्लाह पे आप ईमान रखे, मैं क्या करूँ, मैं कुछ ना करूँ, कुछ नहीं किया था 5 साल तो क्या हुआ था, कुछ करने में कम से कम दो बच्चे शायद सुलेमान का ही पता लग जाए, शायद कोई उठे जब तक, और देखे अल्लाह का फजल है, अब कौन मेरे साथ, मतलब कौन, मैं कहीं भी बाहर जाती हूँ इतनी मोहब्बत से पेश आते हैं, हॉस्पिटल में आते हैं, लोगों के दिल में
संपत्ति है। लोगों के दिल में हमारी कौम, हमारी कौम बहुत अच्छी है। हमारी कौम यकीन जाने जो भाईचारे का वो है ना जज्बा, मैं जहाँ भी गई हूँ, मैं सैलाब के उसमें गई हूँ, आप यकीन जाने, उनकी हेल्प करने, उनकी दिल जोई करने, कि उनके घर लूटे हैं, उनके वो हुए हैं, मतलब मैं समझती हूँ हमारा घर लूटा हुआ है, हमें कितनी वो होती है सब कुछ, मैं गई हूँ तो यकीन जाने वहाँ पे औरतें मुझसे लिपट के कह रही हैं हम आपके घर में शरीक है, आप देखें कितनी दुखी है, उनका सब कुछ लूट गया है, उस खुले आसमान के नीचे बैठे हैं, लेकिन दिल देखें आप उनके, ये हमारे लोग हैं मोहब्बत करने वाले, ये मोहब्बत करने वाले और उनकी ये पिक्चर खींचते हैं बाहर, ये बिल्कुल गलत है। मतलब ये तो मैं अपना पर्सनल बताई ना, जिस तरह लोग मुझे, मैं इनकी हिस्ट्री पढ़ी थी तो उसमें लिखा था, यही मेरी हिम्मत है और यही मेरी ताकत है, चल रही है और इंशाल्लाह ताला जो आपकी जज्बा है, जो आपकी मेहनत है, आई व्यूअर्स मां ताकि गुजारिश करने से जेतरो तवन थी सके जे करे अदि आफिया जे लता दुआ कयो आई रिसो पे ता अज ने भेण असा प्रोग्राम में बैठी है की रिक्वेस्ट भी करे की मानु के चाहे भी तो मुजी भेण जे ला दुआ कयो मुजी भेण जिते बुजे जे जगह ते बुजे खुश हुजे आबाद हुजे आई उने जी वापस अचन जे ला दुआ कयो आई सिर्फ आऊं के सिंध धरती पीरन ओलिया फकीरन दी धरती है गजी मिली करे दुआओं कंदा सी तो असें भेण असानी मां जरूर असानी सिंध में वापस इंदी जी ता अदी बुधायो ता हु जने इंदी आहे ता पाकिस्तानी दा बिटशा ते घणो इंदी आहे सुकून मिलनो आनंद ते मिलनो आहे सूफी नजर सा उनो सुठो ताल्लुक आहे पंहिंजी धीउ आहे असांजे मुल्क जी पंहिंजी जेका आहे सम्झो त तव्हांजे घर मां अगरि को माण्हू ईअं उन सां अगरि कुझु थिए त कहिड़े तरीक़े जो माण्हू फीलिंग्स हूंदियूं त पाण जेको आहे बिल्कुलु हिननि जी जेको आहे प्रॉब्लम खे सॉल्व करे सघनि था। डॉक्टर साहिबा इनकी हिस्ट्री मां कल्ह पढ़ी थी इंटरनेट ते त मुझे इसमें लिखा हुओ नज़र आया कहीं पर प्रिज़नर 650 प्रिज़नर नंबर 650 इनको ये क्यों क्या रीजन है? ये वही है जो मौज़म बेग ने 2005 में जब वो किया था ना तो वो ग्रे इसलिए कहा था कि समझ नहीं आया था कि ये है कौन, मिस्ट्री थी ना। ओके इसलिए ग्रे एरिया था। अभी आपको सिक्योरिटी पे कुछ फराम की गई है? सिक्योरिटी हमारे पास उन्होंने दो गार्ड दिए हैं। वो गवर्नमेंट के गवर्नमेंट चले ये अच्छी होते हैं जी ये अच्छे और आपके साथ भी होते हैं कभी कभार जब जिस फैमिली बाहर जाते हैं या बच्चे वो करते हैं ज्यादातर बच्चे जब जिद करते हैं आफिया के बच्चे गवर्नमेंट की तरफ से आपको कितना सपोर्ट है? जबानी सपोर्ट आप सबके सामने है, आप सबके सामने मेरे ख्याल से कोई महीना नहीं गुजरता है कि उनकी तरफ से कोई ना कोई बयान और सपोर्ट आती है। मेरे ख्याल से थोड़े से बस देखे रेमन डेविस आया चला गया, इतने सारे मवाफे आए, थोड़ा सा अगर ये स्टैंड ले, यकीन जाने ये अगर जाते जाते ये जरा सा स्टैंड ले लेते, शायद बेटी का कर लेते तो दुनिया नहीं तो आखिरत तो बनी जाती। आपके ख्याल में क्या? मेरे ख्याल से उन्हें इज्जत भी मिलती, जलील नहीं होते। अच्छा मीडिया की कितनी सपोर्ट है? मैं कहती हूँ हमारे पाकिस्तान के मीडिया, हमारे रिपोर्टर्स, अगर आप लोगों की सपोर्ट नहीं होती तो आज मैं बाहर निकलती तो लोग मेरे से इतने गले नहीं मिल रहे होते। आफिया का पैगाम, आफिया की सफरिंग घर घर पहुंचाने में मीडिया का बहुत। कब खुशी इतनी होती है जब इतना प्यार मिलता है आपको और आफिया के लिए इतनी इज्जत, लोग उनके लिए दुआएं मांगते नमाजों में और हर जगह पे वो उनके लिए दुआएं करते हैं, और जब आपको ये फील होता हो कि आज आफिया इंशाल्लाह तआला जरूर आएगी, कब आपको फील होता है? पता है जब मैं जैसे कहीं जाती हूँ ना और जब कोई ऐसे, कभी कभी ऐसा होता है कि कोई एकदम ऐसा शख्स आके एकदम से गले मिलता है और वो सबको वो करते हुए और कहते हैं कि मैं बहुत दुआ कर रही हूँ, मैं कहती हूँ देखो मैं जानती भी नहीं, और जब ऐसे ऐसे लोग दुआ कर रहे हैं ना तो यकीनन अल्लाह की कोई मसलहत है, ये दुआ तो मकबूल हो गई। बिल्कुल बिल्कुल। और वो मुझे जो है वो, मैं उम्रे भी गई हूँ और भी स्पीकिंग इंडोनेशियन वो देख के और वो पहचान के और तवाफ कर रहे मेरे साथ, मैं आफिया के लिए कर रही हूँ और हम मैं खवातीन सॉरी पूरा ग्रुप इतना बड़ा सिर्फ आफिया के लिए तवाफ करने सब साथ आगे, और मतलब ना मैं उनकी जबान समझ रही हूँ ना कुछ, लेकिन एक कॉमन यूनाइटिंग फैक्टर जो है ना कि सारे तफरके सारे सब अलग, एक आफिया के उसमें एक यूनिटी, एक मुझे यही यहाँ पे मुझे नजर आया हर जगह लसानी वो हो रहे हैं, लेकिन जहाँ आफिया का वो होता है देखे सारे पॉलिटिकल पार्टीज भी एक वो होती हैं, कोई ये नहीं कहता कि नहीं हम अलग हैं, हम अलग हैं, सारे जितनी लसानी भी वो हैं सब, तो ये कौन
एक हमारी कौम की अलामत बन गई है, बेटी बन गई है, और इसमें मेरे ख्याल से मीडिया का बहुत बड़ा हाथ है। अच्छा सब, आखिर में आप कोई मैसेज देना चाहेंगी, आप किस तरह की सपोर्ट करना चाहेंगी? आपने जो दी, किस तरह की सपोर्ट चाह रही हैं आप? सबसे ज़्यादा तो आप सबकी दुआएं, दुआएं और आफिया मूवमेंट में, आफिया मूवमेंट क्या है, आफिया की रिहाई के लिए हम सब इकट्ठे हैं, हम जैसे आप जैसे सब बहन भाई सब मिलके, कोई इसका और वो नहीं है, एक पोस्ट कार्ड 5 रुपए का टिकट लगा के जितने ज्यादा से ज्यादा हम भेज सकें, शायद हमारी आवाज़ सुन ली जाए। तो ये कहाँ से मिलेगी जिसे हम अपने और इस बुक के हवाले से भी हमें थोड़ा बताएगा कि ये जी एक इन्वेस्टिगेटिव, ये तो बुक्स हैं, ये तो आफिया के बारे में मालूमात पूरा, उसका बचपन, उसकी शख्सियत, उसका सारा वो सब इसमें है। इसमें पीछे थोड़ा सा वो इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट जिसकी मैं जिक्र कर रही थी कि जिसके साथ जो है अब ये है कि आफिया की रिहाई का एक नया रास्ता खुला है, वो इन्वेस्टिगेशन जो आप सवाल आते हैं ना कि ये कैसे हुआ क्या, वो सामने आई है, उसने कलम बंद किया है, उसने इंटरनेशनल जस्टिस नेटवर्क की है, उसमें पूरा कलम बंद हुआ हुआ है, बयानात उन लोगों के 2003 के, और ये सारा वाकया कैसे आया। अब सिर्फ ये है कि इसको अदालत में लेकर जाना है, अमरीकी सुप्रीम कोर्ट में, हमारे वसाइल इतने अच्छा, नहीं है। ये जो आपका कार्ड है ये कहाँ से मिलेगा? ये मुख्तलिफ आफिया मूवमेंट के कैंप्स हैं, और अगर डाउनलोड करके प्रिंट करना चाहें तो afiamovement.com डाल दें, उस पर वहाँ पे अवेलेबल है प्रिंट, और प्रिंटेड जी प्रिंट निकाल के मेल करना चाहें, और प्रिंटेड कार्ड्स हमारे ऑफिस पे और जगह जगह इंशाल्लाह कैंप सारे हमारे स्टूडेंट्स जमा करवाने जी, बस 5 रुपए का स्टैम्प लगाना है, अगर हमारे कैंप्स पे आके करते हैं तो आके बस साइन कर दें। और कैंप्स कहाँ से, कब से स्टार्ट हैं? और ये इंशाल्लाह आज से इंशाल्लाह स्टार्टेड हैं, जगह जगह कराची, हैदराबाद, एबटाबाद, इस्लामाबाद, पिंडी, लाहौर, फैसलाबाद, सरगोधा, हर जगह पे इंशाल्लाह ये होंगे, और जिसको भी चाहिए वो डायरेक्ट भी हमें कॉल कर सकता है। अच्छा, मिल सकता वो है। और मैसेज हमारे प्यारी सिंध के लिए, सिंध के लोगों के लिए, सिंध वालों के लिए? सिंध वाले तो एक हमारे मतलब सिंध की तो एक रिवायत, एक बहुत कदीम रिवायत सूफीज़म की, फकीरों की, दरवेशों की है, ये ज़मीन ही बहुत जिसे कहते हैं कि बहुत ही फर्टाइल लैंड है ये, और मुझे उम्मीद है कि यहाँ से दुआएं, यहाँ से बिल्कुल ज्यादातर जो चेंज और जो इंसानी उसकी जो होती है ना, वो इनसे ही आती है। यहाँ पर लोगों की बहुत सारी सिंपैथी है लोगों के दिल में आपके लिए, और लोग आई होप, बल्कि मुझे यकीन है पूरा कि वो जरूर इस पर जो है वो फोकस करेंगे और हेल्प करेंगे। जी व्यूअर्स, जी हाँ, डॉक्टर फौजिया चाहियो त सिंध धरती पीरन फकीरन जी आहे, ऐं सिंध धरती प्यार करण वारनि जी आहे, सिंध धरती वाकई प्यार करण वारनि जी आहे, सिंध धरती वाकई पीर फकीरन जी आहे। गॾिजी मिली दुआऊं कंदासीं, गॾिजी मिली अलाह खे ॿधाईंदासीं त असांजी भेण, असांजी माउ वापसि अचे ऐं पंहिंजी सिंध धरती ते ज़रूरु अचे, ऐं ज़रूरु हिननि हिकिड़ी रिक्वेस्ट कई आहे त असांजी हिकिड़ी मूवमेंट स्टार्ट आहे, महिरबानी करे उहो तव्हां नेट तां बि खणो सघंदा आहियो, अलॻि अलॻि असांजी कैंप्स लॻनि वठी ऐं 5 रुपए टिकली हणी करे वापसि तव्हां पंहिंजी जमा करे सघो था, ऐं उन्हनि सां ई हिननि खे सपोर्ट थींदी, काफ़ी आज़ादी जो हक़ मिलंदो, ऐं उहे ई आवाज़ूं निकिरंदियूं जेके तव्हांजी दिलि जूं आवाज़ूं आहिनि, ऐं हिकिड़ी भेण जूं आहिनि, हिकिड़ी माउ जूं हूंदियूं, उन्हनि खां पुछो जिन जे घर में ही कंडीशन आहे, उन्हनि खां पुछो जिन जे घर में उथण सां ई माउ पुछे थी त मुंहिंजी धीअ कॾहिं ईंदी ऐं मुंहिंजी धीअ अॼु ईंदी, जेका ख्वाब में ॾिसंदी हूंदी, ख्वाब में रोईंदी हूंदी, 9 साल थी विया आहिनि, 9 सालनि ताईं कहिड़ो राब्तो कोन थियो आहे, अॼु हुन जी भेण हर जॻह ते वञे थी ऐं सिर्फ़ु दुआ जी अपील थी करे त मुंहिंजी भेण जे लाइ दुआ कयो, मुंहिंजी भेण खे दुआ कयो, ऐं ॾिसो पिया हिकिड़ी न्याणी थी करे, हिकिड़े असांजी भेण थी करे केतिरो कमु थी करे, मुख़्तलिफ़ मूवमेंट थी हलाए, मुख़्तलिफ़ फलाई कमु थी करे, ॿुधाए बि त आउं मोद मुतासिरनि वटि बि वियुसि, उन्हनि वटि छित बि कोन हुई, उते ई मूंखे एतिरो प्यारु मिलियो, जंहिंजी आउं मदद करणु वियुसि, उहे मूंखां मदद माना मदद करण जे लाइ उन्हनि चयो त जीअं तव्हां चयो त तव्हांखे सपोर्ट कयूं ऐं उते बि तव्हांजी असां मदद कयूं, असां ॾाढा शुक्रगुज़ार आहियूं तव्हांजा। इहो सिंधी मीडिया में मुंहिंजे ख़्याल में पहिरियों दफ़ो डॉक्टर फौजी खे जेको आहे घुरायो वियो आहे, त इहो असांजे लाइ करे आवाज़ टेलीविजन के लिए हमारे लिए एज़ाज़ की बात है कि आप हमारे पास आई, थैंक यू सो मच। आवाज़ टेलीविजन तो हमेशा आके हर चीज़ कवर, हर प्रोग्राम उसने कवर किया है आवाज़ टेलीविजन ने, तो
थैंक यू बहुत इस चीज़, थैंक यू फॉर कमिंग, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। अच्छा लगा आपसे मिलके, और इंशाल्लाह ताला हमसे भी जो हम दुआ करेंगे आपके लिए और सिंध की आवाम से पूरी अपील करेंगे, जहाँ जहाँ भी हमारे दोस्त बैठे हुए हैं, इवन के आउट ऑफ कंट्री जो हमारे दोस्त बैठे हुए हैं, जहाँ पे आफिया बहन, जिन जिन लोगों ने बाजी ने बताया कि जो एरिया ने बताया कि अगर सिंधी वहाँ पे हैं तो अपनी बहन का ख्याल रखिएगा, पूरे पाकिस्तान को हम कहेंगे कि इनकी सपोर्ट करें अगर हो सके तो। किसी ने अगर सुना है बहन का, अगर देखा भी हो कि बहन यहाँ पे, तो उनसे आप रब्ता कर सकते। बिल्कुल, अच्छा लड़ा, शुक्रगुजार हैं। ब्रेक के टाइम है, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस, थैंक यू जी। बस जबरदस्त किस्म जो असां प्रोग्राम हली रहा है, असां नगर डॉक्टर फौजिया हुई और जबरदस्त प्रोग्राम हलो, काफ़ी मजो अची वो है, किरा ना वो असा प्रोग्राम जारी है, ब्रेक का पहुंचू था तो असा नगर रह। सब्जी आवाज़ प्रोग्राम ऐसी रहा हो, असा गेस्ट हुई डॉक्टर फौजिया, जका पाकिस्तान की न्याणी, पाकिस्तान की माँ, पाकिस्तान की भेण, उन धी मन हुई आफिया सिद्दीकी, केर कौन सुे वेंदे उन भेण यो चई हुई तो सिंध धरती सिंध वारन के ये गुजारिश है तो दुआ कर मुझी भेण जल्दी अचे, मुझी माँ इंतजार भी करें, उन पुट इंतजार पे करें, पूरा पाकिस्तान इंतजार पे करें, पूरा सिंध इंतजार पे करें, जैसे इंदी तो इंशाल्लाह ताला कलंदर सरकार मिठाई साईं ते वो दुआ भरने के हाजिरी जरूर भरणी थी, इंशाल्लाह ताला असा दुआ गोयूं तो असाई भेण जिते हुंदी, जै जगह ते हुंदी, ठीक हुंदी, आबाद हुंदी, खैर खैर से मोटी हुंदी। उम्मीदों असि कौम से सभी से 86 ईयर्स की इम्प्रिजमेंट इम्प्रिजमेंट जो जो मतलब उनके जो जवाब मिले उनका पोए भी उन्होंने कोशिशों रोकियन अं तई उ कोशिशों कन पा तो कड़े तरीके से उनके जो है वापस घुरा सकूँ। अच्छा फरवा एक कम था कयूं, हां आज असा सोफा भी खाली लगा पे ना, असा ब्यूटीशियन लगी पई है कम कर, मैं सोचा तो ता हन पासे थी या आज ता मैं आमू सामू वाले आ ता जो इंटरव्यू वठो जा ना, मैं ता जो इंटरव्यू मुंजो इंटरव्यू वठना, मुंजो इंटरव्यू ता वठना ना, शायद मुझे ख्याल में ता तो वेरे हो तो मुखे वेणो पा। अच्छा गालिन गालिन में नाज़रीन के बुदा रहा तो डॉक्टर फौजिया सला गालिन में इतरो असा गुम थी भी जने ब्रेक का पो वणो वणो पे तो ब्रेक का पो असा का इतरो भी गालू करे पूछे भी मान तीन प्रोग्राम जैसे ऐसी खुशी थी जैसे तोग्राम की कॉल आई हुई उन प्रोग्राम ऐसी भी अचा इंशाल्लाह ताला चीन तीन प्रोग्राम के तवसु से असा इलाई दुआओं मिली उन्हें सुनो रेस्पॉन्स मिलो ऐसी शुक्रगुजार भी असि टीम की असम जो आवाज़ टीम जो सुबह की पूरी टीम जो ये कोशिश होंगी कोशिश कह सुबह जो अड़ी का शे खी जो दिल के छुए एंटरटेनमेंट तो रही है खिल बोल तो रही है किथे किथे दुआ भी कम इंदन तो सुबह से असा उठी करे को एड़ो नेकी जो कम कयूं, सुबह से उठी करे को दुआ जो कम कयूं, जी कल असा वट नासिर हुसैन जैके ब्लड कैंसर हो उनके एतरी तां दोस्तन जी दुआ मिली एतरो तां जो रेस्पॉन्स मिलो अन्या भी अड़ा कुछ पेशेंट आन असा सिंध जहा अन्या भी एतरा केर गरीब हैं जेके परेशान हैं जेके रोडन ते रस्तन थीन जैके का को वाह को रस्तो ना है जेकरे तांके इन गाल जी जान है तवां थोड़ी उन्हें सपोर्ट कयो पिया वधीक कयो जो थी सके तो कर असि स्क्रीन से नंबर अची रहा है आवाज़ टीवी की ऑफिस जो एड्रेस भी तकरीबन सभी की खबर होंगी तो जर अड़ो को मानू है जैसे हेल्प की जरूरत है जैसे इलाही सपोर्ट जरूरत है तो असानी प्रोग्राम सुबह की आवाज़ जो दरवाजा हमेशा खुलल प्रोग्राम में अची सोता उन पेशेंट्स के वही सोता उन गरीबन मिस्किन के वही सोता उन सपोर्ट वही सोता। मेकअप ले तो मेकअप मान पानी का मैं ना ताने उन पासे ठीक है आई डॉक्टर फौजिया चाय कोन पी गई ये गलत गल है चाय है जको सु पियन खपे इका गल नहीं गरम करे से शायद के वही वापस का प्यार से दिमाग से रजक साहब जनो यार केक तो घरा जो चाय अच्छी रहो चाय सुठी जचे ब्रेकफास्ट भी कोन करे है गाड़ी में जी पंचर थी रही कल भी गाड़ी पंचर थी ये तो कोई बम। अच्छा निगत आप हमें थोड़ा सा एक्सप्लेन करें आप कहां तक पहुंची हैं मजेदार मजेदार मेकअप यहां से दूर से बड़ा खूबसूरत नजर आ रहा है बस क्या क्या किया आपने मैंने जो ड्रेस है इनका उसके अकॉर्डिंग किया अच्छा ठीक है
तो आपने पहले फाउंडेशन स्टिक अप्लाई की, उसके बाद कॉम्पैक्ट लगाया, ठीक है, कंटूरिंग की, उसके बाद अब आई मेकअप हमारे पास ये भी होता है, ब्राइडल मेकअप होता है, और यानी कौन जो इदु मेकअप एक्सपेंसिव तो थे भाई दिसो, ये त हां यो तो हां बिल्कुल सही गल पॉइंट आउट कई है, तो महंगाई जका थी वई है, स्पेशली मेकअप जको कौन जो थी दो है ब्राइड जो वो तो तमाम गुण एक्सपेंसिव है। आई यो भी दिसो ना, त हन से ना असा हन का करना सी को स्पेशल को सुठो को मानो जे एक्सपर्ट जे उनका करना सी आम मानो वट न विंदा सी। हालांकि ब्यूटी पार्लर्स किदे खुली वैन आपसे एक सवाल करना चाहूंगा कि सस्ता में सस्ता दुल्हन का मेकअप कितने में होता है और महंगा में महंगा मेकअप कितने का होता है, और उस मेकअप का जो असर होता है या उस फैशन का जो असर होता है कितने देर होता है? नहीं, आपने क्या कभी सस्ता किया है? वहाँ पे सस्ता होता है, मैं जा रही थी वहाँ पे महंगा, ठीक है, जान पहचान वाले आ जाते हैं या रिश्तेदार तो फिर करना पड़ता है। तो फ्री में कर देते नहीं ऐसे भी कर रिश्तेदार वैसे ही होता है। तो उस दुल्हन का मेकअप को कितने दिन का असर चलता है, वो गोरी गोरी खूबसूरत कितने दिन तक चलता है ये बताया? चलता बस एक ही दिन चलता है, शक्ल साॻी या मेकअप लर्न खा पोके रसा असा ताने पोसी आने ना रही ना एडी गाल था कमाल है मतलब जो कमाल है। अब वो स्मार्ट आगे की गाल तक उदाहरण वाला था तकरीबन मां के आर्टिस्ट जो बुराई कोन कर दिया मुझे को कुलिक साइड में साकर घर कम में जरे सुबह सा फरवा इंदी है ना तो फरवा न को सलाम कदी न को रखा दी वो गोसिया बाजी सा बैठा था मेकअप में मुझे दी देखे से सलाम नहीं किया ऐसे बोला मुझे सलाम मांगो कंदो है ना जम खाए गया शायद को कम से देखा है तो वो छोके टॉक बे होंगे लगा है मुझे टॉक बे खराब थी है पर इंदा ऐसा जम दिए को बस तो करे ता से सीओ साहब को चाहिए सब होता ता हम देख करे कौन बस करे कोई छुट्टी दे सर का आता है आदे में जगह बराल वो टॉक बे गंदी गंदी मन चला गया आई बराल ऐसा कोशिश कर रहा हूं तो ऐसा आवाज सुन में भाई ना ता हम के बता ता तमाशा का थाने एक्सपीरियंस भी आले ज्यादा ता काम करवा है शायद टॉक बैक जो कितरो पार्ट हो हुआ है करे लाइव शो में बुधायो मेन टॉक बैक ही तो होता है जिको असन इंस्ट्रक्शन ही दिनो है डायरेक्टर छा तो चाहे ब्रेक जो खबर हम परे का तो इशारो तो फिर तो यार ही ब्रेक उठो या उठो उन्हें के ख्याल रखो यानी असन किथे किथे ये मुंजी पंदा है तो यार हाने क्वेश्चन असन खत्म थी जंदा उते डायरेक्टर के दिमाग में यार ही वाला क्वेश्चन पूछो ही पूछो जी ता जी खब काफी रगत से खपत जंदो है ता ता जी क्वेश्चन खुटी जंदा हो तो को प्रोग्राम जैमें सेम सिचुएशन टॉकबैक न हो पर क्वेश्चन पोली क्या तो यो सो डिपेंड करोग्राम करे अगर तुम को गेस्ट अचे तो तुम को मेहमान अचे तो तुम उन पढ़ो उन सिंधी मीडिया ऐसा गेस्ट जी के विचार है ना वो सफा ये मुंजी पाने से परेशान थी मैं ना एडी गाल ना है असल में ऐसा जी असल में थोड़ी ये वाकई नो डाउट जरे ऐसा हमारी ना मॉर्निंग शो में जरे गेस्ट आए उस पर सनम कभी आया हुआ था सनम बोलते ता को ना सनम बोलते हुए थे अच्छा ठीक है अरे ता घूमया पे फ्री हुआ करे अच्छा जी बिल्कुल सही अज ता ने सब गाले बुदो ने टॉक बैक अच्छी तो मैं पानी इनन का पूछनस डायरेक्टर जी इंस्ट्रक्शंस इन ने पुठियागा
जी जी पो तां छा पुछ तडे मा गेस्ट हाउस जो मुसा जुल्फली हो आसिफ शाह हो उन दी आसिफ शाह दी बर्थडे भी अस जबरदस्त किस्म को प्रोग्राम कयो सी जे में गिटार विटार बजाया केक कटियो सी पूरी टीम अस गड हुई मुझे याद है जैसे इन प्रोग्राम में आयो तो शेजाद भट्ट इन प्रोग्राम के डायरेक्टर हो उन्हें तो यार शायद प्रोग्राम करने मूड है तो उन वक्त मुझे यार कोशिश क्या मैं ऐसा तक एडी वी ऑफर करी हुई है छो कि उन वक्त भी रिकॉर्डिंग्स में आऊँ लगो पे रिकॉर्डिंग हलन पी सॉन्ग्स भी हलन पी ड्रामन भी हलन पी वरी इंडिकेशन मिली तो हाँ प्रोग्राम करो है बिस्मिल्लाह शुरुआत करनी है अच्छा सोशल मीडिया फेसबुक पेज के लाइक कर सको उते प्रोग्राम अपलोड कर प्रोग्राम पा हूँ बिजली ना जिते बिजली उते आवाज थी पहुंचे तो कचेरी कर प्रोग्राम वालेकुम सलाम जी अल्हम्दुलिल्लाह अदी किथा में गलायो कराची में कराची हां कराची से बात कर रहे हैं अदी ता नालो लक्ष्मा से अच्छा अदी छा को ना ता अदा कोनी नहीं दानी उस गाना जान खोड़ खोड़ किने जे गाना बुझे ता जे में ज्यादा रोए जी एक्टिंग करना नहीं हां मैं आने आने ता जे गाना सुन के तो है राम तो अच्छा अच्छा बुदा बुदा ये बुदा गाना गाए बुदायो तो बुदायो हां बुदायो दिल दरख बाजी आछते मुखे जान कर ता रोज जी एक्टिंग करो शायद खान जी की एक्टिंग कही है सुजे परे सजदा कर जान कर छा गाल गजे छा गाल गजे अरे मां पांजो गानो बताया प्लीज प्लीज पांजो का दिल की चले दिल दीवाना हो पर रह गए ओ नामता ओ पंजे सुन तने नन मामला दिल की चले दिल दीवाना अच्छा वाह जबरदस्त ये तो ये तो ये पंजे ना हो कितने अच्छा कंटिन्यू अच्छा ओ नीचे से तने जाके तिरा ओ सीमा तो अच्छा मेकअप का थोड़ा हल्लू दिसे चाके पर जी मेकअप आपने क्या किया आई मेकअप हो गया कंप्लीट कंप्लीट हो गया आपने कौन सा कलर चूज किया इसमें ग्रीन यूज किया मैंने कलर और पीच मतलब वो ड्रेस के हिसाब से जी क्यों कुछ लोग कहते हैं कि उसका कंट्रास्ट जो कलर होता है वो आप मेकअप में यूज करें मैंने लाइट मेकअप रखा है इनका ना अच्छा लाइट मेकअप में जो है वो आप जरूरी गोल्ड मेकअप नहीं किया है अच्छा ठीक है लाइट मेकअप किया है ठीक अच्छा मां सोचा वो सुबह ने को सैलून में को अच्छी जा को बार्बल वठी जा को हजाम जो वठी जा तो उन का पूछा यार उनका बोले आप पूछन ई वार की कटी तो दाढ़ी को कटी अरे ये कजो हर ता जो सवाल है पांच डिपार्टमेंट मॉडल है कहां के ठाई दिस फोन ने हजाम के का घुरा सागना मॉडल ना तो मॉडल जरा नहीं जरा कहां जा वार देखे ना माशाल्लाह अच्छा बागरी नाजरीन के रिक्वेस्ट करना से आई चांदस तो काफी दोस्त अड़ा जो चवन यार मॉडलिंग करने शौक है सिंगिंग करने शौक है असा एक्टिंग करने शौक है तो असि वाकई दोस्ती यारी एतरी है जो अस दोस्तों चवंदी तो तक सपोर्ट थी वी पर आवाज़ टीवी या दरवाजा तवे चौवी कलाक खुलल
तुम आवाज टीवी एड्रेस नोट कर आवाज टीवी से अचो इंशाल्लाह ताला जरूर एतरो किसी में रिस्पॉन्स मिलो मॉडलिंग का चांस मिलो एक्टिंग का चांस मिलो एवरीथिंग जो तुम दिल की ख्वाहिश है जो सिंगर सुठा हो सुठा सिंगर तो ब्रेक जो टाइम हाँ जी सुर की आवाज ओए तो गाल है ना एक हम इशारा कर शायद इतने जी टॉक बैक कम करो एंड इट्स ओके नो इंपॉर्टेंट दैट टॉक बैक ही वाज नॉट गोइंग वी आर जस्ट कमिंग बैक भले वेलकम बैक यू असा एक में इंतजार हो यार तू वेलकम नहीं है मां वेलकम कर था पान चुप सी हो अभी ही वेलकम नहीं निकल नहीं पास सी हो वन भला ठीक है शेक 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 तां जले करे कॉल आई है जी जी अस्सलाम वालेकुम हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम कैसी हो यार कॉल करा तू जो को मुझे कॉल अटेंड करे तो मैं मुझे दरकार नहीं मुझे फोन करते तो लगे अल्लाह बस फोन रखो तो मान के मोबाइल जी हां पहले का नंबर दे शायद जी हां वो तो कॉल पे हो क्या आप से था मैंने कहा था मुझे बोलवा उससे आप से था और उनको नहीं हाल था का मैं लेकिन तेरी कॉल पे उससे आप से ना सलाम वाला स्ट्राइक सर को पे गले हो तो मुझसे छोड़ के गले हो तू ऐसा ना था गले वो भी रोई ना सण ना और क्यों का मैं ना हाल पर थी ना मुझे कॉल पे मुझे देखने मुझे कॉल पे मुझे जाम से मिला पो अड़ी यार हाइपर थी यार हाँ छा कबो सुना हाँ छा कहीं हूँ ना चाहे तू फोन के नंबर दे ले चाहे तू साथ ही तू मुझे अगर सही लगे ना कि तो ऑनलाइन अंदर नंबर बताएं तो मैं ताकि नंबर हीर ही तो दिया बस अच्छा बोला को गानों बताया शायरी शायरी बताया हो दिया गाना बजाया हां गाना बजाया आवाज आता ये जबरदस्त किस्म की आवाज है बजाया बजायो मगरूर हो गया दिल में सुस्ता है वो दूर हो गया दिल में सुस्ता है वो दूर हो गया साथ मिला ऐसा सीता ये सुनता है दूर हो गया मगरूर हो गया मजबूर आशिक मजबूर शायक बेचारो मजबूर शायक मजबूर जो घड़ी घड़ी फोन खड़े दड़का तो न मां उनकी चाहो वो तांगे भी नंबर दे दे अच्छा जी आवाज केड़ी हुई जी तांगे धड़का रे नहीं जी जी मैं बताओ ता मुखे थोड़ा आवाज कटी बताओ की धड़का रे नहीं ये क्या है मन की कॉल से आऊं जो आयो आज से मन की कॉल से ले से से तक आयो इतना दे दिया आज से पहला भी गया नजर बात था मैं एकदम मुझे लाइन दे रहे हो तो बस आऊं हियर गला तो आऊं हियर ही चांस तो आऊं हियर गला तो बस आऊं आऊं कर गला तो देख करो और हैदराबाद की खास गल ये है आऊं आऊं कर गला मां ताके बिल्कुल ताके नंबर दिया तो प्रोग्राम सा के मां ताके नंबर मां ताके नंबर हम सा तो आप जो चौथा नंबर नोट कर ता हो सा बेंजी ओबी ऑपरेटर एमसीआर के तो ही नंबर नोट कर मुखे ब्रेक अप दी जो या जो नंबर से मुखे जरूर कॉल कर काम से पायो ठीक है जी ठीक है बिल्कुल हां तो हाई पर आयो ना हां रिलैक्स है ना कॉल वापस थ्री कर ओ हो दी सुठी कॉलर यार या सुठी गल ना ता छो ये कयो उन जो गाइंदा का कॉल कदी भी ता जो कान रोक जो ना जी एदा जी क्या ख्याल है शेख हां उन जी दिसो के ता पार मेरी दिल की आवाज नहीं दिल की आवाज नहीं ऊपर तो एक आपने बोलो मुझे खनो खनो खता नहीं मैं बात गल ना मुझे समझ नहीं कोदा अच्छा गल है नहीं 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 ता ता सा के हाने बिल्कुल कॉल कर सको ता ऐसा नोट कर छले हाने आइंदा खता के भी देखो ना कॉल कटनो ना हां भले कॉल कर कटी है ना माता का पेज नंबर तो पान फोन कर स्पीकर ऑन कर बस ऐसा ता के नंबर नहीं है हां अच्छा जी अब आप मेकअप कंप्लीट हो गया जी इनका ड्रेस एक्सप्लेन मैंने मेकअप किया है इनका अच्छा और ड्रेस
मतलब ड्रेस का जो कलर है वो मतलब आप एक चीज मैंने नोट किया, आपने स्मोकी आईज नहीं बनाई, स्मोकी नहीं, स्मोकी आईज बहुत कॉमन है लेकिन कॉमन तो है लेकिन मैंने मतलब वो लाइट पे ही रखा है मेकअप ना। अच्छा ठीक है, तो बेस जो है इनके कॉम्प्लेक्शन के लिहाज से यूज किया मैंने 38 ठीक है और कॉम्पैक्ट लगाया उस पर, उसके बाद ये जो शेड्स लगाए मैंने तो वो ग्रीन डार्क दिया है कॉर्नर पे और सेंटर आई पे ये जो गोल्ड सॉकेट जी गोल्ड और एंड पीच। अच्छा मिक्स करके आपने किया है, ठीक है ठीक है, मतलब उनके अकॉर्डिंग टू द ड्रेस आपने इनका मेकअप किया हुआ है। आजकल मेकअप कौन सा इन है? डिफरेंट मेकअप है आजकल, डिपेंड करता है फंक्शंस पे, फंक्शंस पे डिपेंड करता है जी। स्किन कलर के हिसाब से भी आप करती होंगी? स्किन का मतलब होता है कॉम्प्लेक्शन का, लेकिन ये है कि आपका मतलब फंक्शन मतलब जैसे जिस टाइप का होगा उस हिसाब से करती हैं। अच्छा एशियन स्किन पे ज्यादा कौन सा कलर सूट करता बताएं? एशियन पे डार्क ही यूज करते हैं ज्यादातर, डार्क यूज होते हैं। आजकल मैंने सुना है ऑरेंज कलर बहुत इन है। जी हाँ ऑरेंज, तो उसका भी मतलब लिपस्टिक कोई अजीब सी नहीं लगती ऑरेंज कलर की लिपस्टिक? लिप कलर तो लाइट ही चल रहे हैं आजकल ना। अच्छा लाइट कलर ही ज्यादातर, ग्लॉसी ग्लॉसी लिप कलर चल रहे हैं। मेकअप आजकल जो है वो आईज थोड़ी सी बोल्ड मतलब वो ये स्मोकी आईज तो बोल्ड ही होती हैं जी, लेकिन ये क्या वो विंटर्स में ज्यादा लोग करते हैं, समर्स में जो है वो लाइट कलर्स और लाइट मेकअप अप्लाई करते हैं। अच्छा तो आपके पास किसी वजह से आते हैं कि मतलब दाने हो गए हैं गर्मी की वजह से और ऑयली स्किन हो गई है, उसका कोई कोई रेमेडी तो बताएं आप? ये दाने तो जहर है, अगर ऑयली स्किन होगी और सही क्लेंजिंग नहीं होगी तो दाने तो होंगे। क्लेंजिंग में क्लेंजिंग अच्छा जरूरी है स्किन। अच्छा और लोग कहते हैं ना कि ज्यादा क्रीम्स वगैरह क्लेंजिंग वगैरह करने से भी जो है वो पिंपल्स निकल आते हैं, उनके लिए क्या? ज्यादा नहीं मतलब आप मतलब जहर आप मेकअप किया हुआ है आपने, क्लेंजिंग जरूरी है उसके बाद तो मेकअप किया वैसे भी मतलब आप रेगुलर आप क्लेंजिंग रखें तो ज्यादा बेहतर है। ओके आपके ख्याल में यंगस्टर्स के लिए क्या मशवरा है एज अ ब्यूटीशियन बताइए? बहुत ज्यादा मेकअप तो सही नहीं रहता यंगस्टर के लिए। अभी तो मेकअप ऑन हो, लाइट मेकअप ऑन है, बहुत ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा हो गया, लाइट मेकअप ही सूट करता है यंगस्टर के लिए तो। अच्छा चले ठीक है व्यूअर्स, सनी प्रोग्राम जो टाइम खत्म थी हुआ है, या यकीनन आखिर में जो को मशवरो उन्होंने थे अमल जरूर कजो लाइट मेकअप जो को वो हमेशा एवर थत को एवर ग्रीन उन्हीं के को है। आज के प्रोग्राम जो हवाले से हम बुधा नस्त वाकई प्रोग्राम लाडो असन सुठो लगो बस किस में प्रोग्राम रहयो ताकि फौजिया आई आपा निगत असन घर भी आई वधी कचेरी कोन थी सकी वरी इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम वरी असा इन फुल पूछन दी वधी कचेरी इंशाल्लाह सकी बस सुभाने असा हुंदा के सुठे गेस सा गड नए गेस सा गड आई ताजे पेंजे ताजे विच माई हुंदो आई कोशिश करना सी तको सुठो गेस्ट प्यारा असा प्रोग्राम होई प्यारा प्यारा गेस्ट यूनिक गेस्ट ही नाइन आई सुभाने को नए गेस्ट सा गड नई शुरुआत सा गड नई सुबह सा गड तेस तई शाइक नारे जो के आई परवा काजी के इजाजत आई गेस्ट के भी ज्यादा थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस हियर, थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वाचिंग, बाय बाय सब जो आवाज़।